आगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। मनोहर ऊंटवाल लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और इंदौर में काफी समय तक चले इलाज के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। कल विधायक मनोहर ऊंटवाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा आलोट में। विधायक के निधन के बाद एमपी में शोक की लहर दौड़ गई है। बीजेपी विधायक के निधन पर एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर सीएम कमलनाथ तक ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा है कि श्री मनोहर ऊंटवाल जी ने दिल्ली के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके असमय निधन से मध्य प्रदेश की जनता ने अपने प्रिय सेवक को खोया है। उनका पूरा जीवन प्रदेश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहा। उनका निधन पूरे मध्य प्रदेश की क्षति है। शिवराज ने एक नहीं, एक के बाद एक मनोहर ऊंटवाल के लिए दो ट्वीट किए। आपको बता दें कि शिवराज गुरुग्राम में उनके परिवार को ढांढस बंधाने के लिए भी फैमिली के बीच पहुंचे। वहीं सीएम कमलनाथ ने भी मनोहर लाल ऊंटवाल के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रदेश के आगर के विधायक मनोहर ऊंटवाल के दुखद निधन पर समाचार प्राप्त हुआ। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान और पीछे परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी शोक व्यक्त करते हुए ट्विटर पर लिखा कि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और आगर विधायक भाई मनोहर ऊंटवाल का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया है। मैं स्तब्ध हूँ। ये सूचना अत्यंत दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और परिवार वालों को ये वज्रपात सहन करने का संबल दे। ओम शांति। बीजेपी विधायक के निधन पर कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी के साथ नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और एमपी के कई दिग्गज नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मनोहर ऊंटवाल शिवराज सिंह के काफी करीबी माने जाते थे और उनकी पहचान राजनीति में कद्दावर नेता के तौर पर होती थी, लेकिन उनका निधन एमपी विधानसभा में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। उनके निधन से विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 107 हो गई है, जहां उपचुनाव कराया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में मुरैना की जौरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा का भी निधन हुआ था और अब मनोहर ऊंटवाल के निधन के बाद आगर सीट भी खाली हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं और इन दोनों विधायकों के निधन के बाद अब खाली हुई दोनों सीटों में उपचुनाव होंगे, जिसके फैसले दोनों पार्टियों के भविष्य को तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।